क्या आपको अपने बेड पर लंबे समय तक टिकना है? यह सवाल काफी लोगों के मन में आता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बेड पर कैसे टिकूं और ज्यादा से ज्यादा अपने स्त्री पार्टनर को कैसे खुश रखूं या खुद को भी खुशी कैसे लाऊं। ऐसे सवाल लेके लोग आते हैं तो उसका जवाब मैं और कुछ नई बातें आपके सामने लाके करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। वीर्य पतन, पतन होने का टाइम जो है वो एवरेज 5.7 मिनट्स का माना गया। मतलब जो स्टडीज में निकल कर आया है वो है 5.7 मिनट्स एक स्टडी में, अलग अलग स्टडीज है। और ये 5.7 मिनट, ये मतलब है कि लिंग का योनि में प्रवेश होने के बाद गिरने तक का टाइम, वीर्य पतन होने का टाइम, ये टाइम मतलब लिंग का योनि में प्रवेश होने के बाद गिरने तक का टाइम, जब गिर जाता है तब का, तो 5.7 मिनट्स है एवरेज में। और वैसा देखा जाए तो 7 से 13 मिनट लोगों का दिखाई दिया, मतलब काफी लोगों का स्टडीज में ऐसा दिखाया गया एक स्टडी में कि 7 से 13 मिनट है लोगों का टाइम। तो इसमें क्या है कि आपको पार्टनर से बात करनी पड़ेगी कि भाई पार्टनर को चाहिए क्या, उसको ओरल सेक्स में मजा आता है, उसको वजाइनल सेक्स में मजा आता है, उसको मसाज करने में मजा आता है, क्या करने में उसको मजा आता है। यूजुअली एट एनी गिवन टाइम 30% लोगों को यह प्रॉब्लम है शीघ्र पतन का, और वो 1 मिनट से कम समय में उनका पतन हो जाता है। और 1 मिनट मतलब लिंग का वजाइना में और योनि में प्रवेश होने के बाद वो 1 मिनट के ऊपर टिकते नहीं है, गिर जाता है। तो ऐसे 30% लोग हैं, मगर उसमें से 9% लोग ही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और आते भी नहीं है, वैसे ही रहते हैं। तभी भी ये संख्या जो है बहुत बड़ी तादाद में है, 9% बोले तो बहुत ज्यादा संख्या है। जल्दी होना बोले तो 1 मिनट के पहले यदि हो जाता है तो उसको बोलते कि जल्दी हो गया। दूसरा एक क्राइटेरिया है कि दोनों पति पत्नी या स्त्री पुरुष न चाहते हुए भी यदि पतन हो रहा है तो वो भी शीघ्र पतन माना जाता है। और तीसरा इसका प्रॉब्लम है कि सेक्स में मजा नहीं आने से दोनों का झगड़ा हो रहा है, झंझट हो रही है और बहुत ही प्रॉब्लम होके उनका सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है और वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये सब हो रहा है तो उसको बोलते हैं शीघ्र पतन। अब ये शीघ्र पतन पहले से हो सकता है, पहले से शीघ्र पतन है आपको, मतलब जैसे सेक्स लाइफ चालोगे तब से शीघ्र पतन है। और दूसरा है कि वो अक्वायर्ड है, अक्वायर्ड मतलब पहले अच्छा था अभी जल्दी गिरना शुरू हो गया। और वो जल्दी गिरता है मतलब उनका पहले अच्छा टिकता था, वो 5 मिनट तक टिकते थे पहले, अभी 3 मिनट के पहले निकल जाता है, तो समाधान नहीं मिलता है। एक्चुअली इजैकुलेशन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन है। एक बार वो चरण सीमा पे पहुंच गए, चरम सीमा पे पहुंच गए, बाद में वो कंट्रोल में रहता नहीं, बाद में वो फेंके जाता है, बाहर निकल जाता है। तो चरम सीमा पे पहुंचने तक ही कंट्रोल है, उस समय तक ही आप रुक सकते हैं। एक बार चरम सीमा पे पहुंच गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया बाद में, तो आप ही आप निकलना है। तो पीछे रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल इजैकुलेशन सेंटर एक है, रिफ्लेक्स है, वहाँ से एक रिफ्लेक्स तैयार होता है। और दूसरा ब्रेन में भी होता है कि ब्रेन से एक्साइटमेंट आता है और वहाँ से फिर रिफ्लेक्स आके निकल जाता है। अब यदि टिकना है तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। नंबर एक जो है वो है साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, कि जिसमें आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, डिप्रेशन है, नर्वसनेस है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, तो वो निकल कर आते हैं, तो वो प्रॉब्लम ठीक करो। क्या होता है कि कभी कभी ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं कि भाई जल्दी जल्दी में कर लिया, शादी के पहले जल्दी जल्दी में करने की आदत लग गई, कहीं भी मिल गए, टाइम थोड़ा सा मिल गया उसमें फटाफट सेक्स कर लिया, गिरा दिया, तो एक तो वो हो सकता है। या हस्तमैथुन करते हैं और बहुत बार हस्तमैथुन करते हैं और जल्दी जल्दी गिरा देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है, घर में प्राइवेसी नहीं मिलती है, हस्तमैथुन में जल्दी गिराने की एक बार आदत हो गई फिर जल्दी गिराने की आदत हो जाती है। और तीसरा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कि मैं टिक पाऊंगा, सेटिस्फाई कर पाऊंगा, ऐसे टेंशन के विचार और जल्दी गिर जाता है। तो ऐसे इसमें साइकोथेरेपी बहुत काम करती है। फिर दूसरा जो है वो है कि स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है, कि जो टेक्निक का इस्तेमाल आप करते हैं तो लिंग को एक्साइटमेंट का अंतिम चरम सीमा पहुंचने के पहले निकाल लेना लिंग को, जो सामने का जो है ग्लांस पेनिस सुपारी जैसा उसके पीछे गड्ढा रहता है, एक उंगली नीचे
और दो उंगलियां ऊपर ऐसा यहां रख के उसको दबाना और ढीला करना। ढीला होने के बाद में फिर खेलना, खेलने के बाद में फिर इरेक्शन हो जाएगा, फिर इरेक्शन होने के बाद में फिर अंदर डालना है, और फिर खेलते 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 ऐसा लगा कि नहीं इसके बाद में गिर जाएगा, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, और वहां से फिर बाहर निकालना, वो आने के पहले ही वो जो गड्ढा है उसके नीचे अंगूठा, दो उंगलियां ऊपर दबाना, ढीला करना। तो ऐसा आपको जितने समय तक लंबा करना है तब तक आप कर सकते हैं, 5, 10, 15 मिनट तक खेल सकते हैं ऐसा, और बाद में जब ऐसा लगा कि नहीं अभी गिरा देने का है तब गिरा देने का है। तो ये स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक है। फिर डिलेड स्प्रे आते, मतलब डिले करने के लिए स्प्रे आती, डिले स्प्रे बोलते हैं, तो उसमें लोकल एनेस्थेटिक रहता है, वो अपना बॉडी स्प्रे जैसा है वैसा बॉडी स्प्रे रहता है। वो स्प्रे आप 3 बार मारो, एक इधर से, एक उधर से, एक नीचे से, लिंग को 3 जगह 3 बार स्प्रे मार लो तो वो सुन हो जाएगा, और आप जब योनि में लिंग का प्रवेश करते हैं तो वहाँ कोई घर्षण होगा तो मालूम नहीं पड़ेगा और आप लंबे चल सकते हैं। वैसे लोकल क्रीम्स आती है, एनेस्थेटिक जेल्स आते हैं, लोकल लिग्नोकेन के आते हैं, या फिर लाइडोकेन प्रायलोकेन ऐसे कॉम्बिनेशन में आते हैं, जो कॉम्बिनेशन में आते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, पावरफुल रहते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एनेस्थेटाइज कंडोम्स आते हैं, उसका भी इसके इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा SSRIs जो है, सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर्स जो है, उसमें फ्लॉक्सिटिन है, डेपोक्सिटिन है, फिर सर्ट्रालिन है, एसिटालोपराम है, पैरोक्सिटिन है, तो ये दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें डिलीरियम होता है। इसके साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट जो है, ट्राइसाइक्लिक टाइप जो है, मतलब क्लोमिप्रामिन टाइप, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ बेंजोडाइजेपिन्स ऐड करते हैं, तो ये डिलेड इजैकुलेशन कर सकती है दवाइयाँ, तो वो दवाइयाँ आप ले सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ यदि आपको जल्दी गिर जाता है तो आप टाडालाफिल वर्दानाफिल या सिलानाफिल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि समझो गिर जाता है तो आप सेकंड टाइम कर सके, सेकंड टाइम आधे घंटे के बाद में होगा तो उस समय फिर जल्दी गिरेगा नहीं, तो ये दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके साइड इफेक्ट है दवाइयों के, मगर आप यदि कभी कभी लेते हो दवाइयाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इरेक्शन का यदि प्रॉब्लम साथ में है तो फिर तो आपको टाडालाफिल सिलानाफिल लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ट्रेमाडोल जो है दवाई, ट्रेमाडोल तो वो काफ़ी समय लोगों ने यूज़ करके देखा हुआ है, और उसका ट्रेमाडोल का भी फायदा होता है, वो सेरोटोनिन रिअपटेक जो है उसको इनहिबिट करता है, और ट्रेमाडोल भी फायदे की रहे। उसके अलावा अल्फा ब्लॉकर्स जो है, अल्फा ब्लॉकर जब दवाइयाँ जो रहती है तो वो भी दवाइयाँ काम में आती है, वो भी दवाइयाँ आप 1-1.5 घंटा पहले लेते हैं तो उसका फ़ायदा होगा। जो सिलानाफिल टाडालाफिल है इसमें आपने देखना है कि भाई जिनको ब्लड प्रेशर है, दवाइयाँ चल रही है तो सडनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो थोड़ा केयरफुली ये दवाई लेनी जरूरी है। कीगल्स एक्सरसाइज लोगों ने ट्राई करके देखी हुई है, कीगल्स एक्सरसाइज से भी लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये सब आप करते हैं तो डेफिनेटली आप बेड पर लंबे समय तक चल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे दिए नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।